આગામી સમયમાં હવે મુંબઈની આઈઆઈટી માંથી કોમ્પ્યુટર સાયન્સ સાથે આગળ વધવાની ઈચ્છા છે. 99.99% મેળવ્યા. જીમેઇલના પરિણામમાં રાજ્યમાં બીજા નંબરે પાસ થનાર અનમોલ શરાફે 99.99% સાથે દેશમાં પરમાં 86મો રેન્ક મેળવ્યો છે. અનમોલ જણાવ્યું હતું કે અગાઉ પણ પ્રથમ પ્રયત્ને 99.99% આવ્યા હતા, ત્યારથી જ મહેનત વધારી દીધી હતી. સારા રેન્ક માટે શિક્ષકો દ્વારા સતત પુશ અપાતું હતું. લોકડાઉન અને કોરોના કાળમાં ક્લાસીસ બંધ હોવા છતાં ઓનલાઈન માર્ગદર્શન શિક્ષકો દ્વારા સતત આપવામાં આવતું હતું. મૂળ બિહાર અને પિતા બેંક ઓફ બરોડા આસિસ્ટન્ટમાં જનરલ મેનેજર હોવાથી સતત બદલીઓ વચ્ચે સુરતમાં સેટ થયેલો અનમોલ ખૂબ મહેનતુ હોવાનું તેમના માતા પિતાએ જણાવ્યું હતું. સાથે જ અનમોલની સિદ્ધિની જ ઉજવણી કરતા કહ્યું હતું કે અનમોલ અભ્યાસની સાથે સોશિયલ એક્ટિવિટીમાંથી દૂર રહ્યો હતો. દાદાના અવસાન વખતે પણ વતન નહોતો આવ્યો. અનમોલ તેની સિદ્ધિ માટે પરિવારને સંપર્કમાં મહત્વનો હોવાથી સાથે સાથે શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન ખૂબ સારું રહ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. मेरा नाम अनमोल सराफ है. मैंने 99.99% स्कोर किया है. अभी 86 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया. तो मैंने नारायणा से किए है प्रिपरेशन. तो इसमें मैंने 3 साल का किया था, जिससे 1 साल मतलब एक्स्ट्रा 10th में ही इन लोगों ने थोड़ा बेस बिल्डअप किया था, जिसने काफ़ी हेल्प की थी. और नारायणा की वजह से काफ़ी सारे जो टेस्ट पेपर्स वो लोग लेते हैं उनके उसकी वजह से काफ़ी इम्प्रूव हुआ, और जिसकी वजह से सारे डाउट्स वगैरह नहीं रहते थे और सारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे और पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया. मेरी मम्मी और पापा ने दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ही कर पाया हूँ, और सबका ही योगदान था. एंड कितने घंटे मिनिमम 12-13 घंटे ज़रूरी होती है कम से कम कोई चीज़ को मास्टर करने के लिए. तो मिनिमम 12-13 घंटे होती थी, कभी कभार कम हो जाती तो अगले दिन या ज़्यादा करते थे ताकि मैनेज हो जाए. अभी एम क्या है? एम अभी ये टारगेट है कि कम से कम आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच मिल जाए. उसके लिए उतना रैंक लाना है कि एडवांस में कि मेरे को मिल सके. एंड मेरे को क्या कहते हैं, आईआईटी बॉम्बे जाने के बाद सीएस लेके कुछ ऐसा बनना है ताकि मैं इंडिया के लिए कुछ काम कर सकूँ, कुछ नया बना सकूँ, या फिर इंडिया को अपना जो भी टैलेंट है मेरे पास वो समर्पित कर सकूँ. तो यही मेरा अभी आगे का एम है. और जो भी स्टूडेंट JEE या नीट के एग्जाम दोगे उनको आप क्या कहोगे? इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे डर जाते हैं कि बहुत हार्ड एग्जाम है ऐसा है. जो भी आपके टीचर है, जो भी आपके आपको पढ़ा रहे हैं, उनका आप हमेशा गाइडेंस लीजिए. और डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए. मिनिमम थोड़े बहुत 12-13 घंटे कम से कम पढ़िए. अगर आपको अच्छा लाना है तो कम से कम एंड तक 3-4 महीने कंटिन्यूस पढ़. ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज, सूरत.